ये कल मैं पढ़ रहा था तो ये आवाज़ आई थी दोपहर में। कल दोपहर को जब मैं पढ़ रहा था, हु डू आई स्पीक टू, मैं किससे बात करूं, और उसके बाद मैं किस नंबर पर डायल करूं, हु डू आई स्पीक टू, मैं किस नंबर पर डायल करूं। और फिर जो है क्या कहते हैं, मैंने पढ़ाई ख़त्म की अपनी, एंड क्या कहते हैं उसे, सिस्टर ज़ायरा का आई थिंक फ़ोन आया, मुराद भाई भी यहीं थे, आई थिंक सिस्टर ज़ायरा का फ़ोन आया कि क्या कहते हैं उसे, उनको रात को ख्वाब आई थी। सिस्टर ज़ायरा को ख्वाब भी आते हैं, यस, आजकल तो बहुत हवलनाक ख्वाब आ रहे होंगे आफ्टर ऑल द बैशिंग ऑफ द फ़ोन। खैर, सिस्टर ज़ायरा को ख्वाब आई थी कि कोई औरत है, उसके बच्चे को कोई कंडीशन है या सिंड्रोम है या कोई इस तरह की चीज़ है, तो वो जो है मदद के लिए, जैसे होता है ख्वाब, इस तरह की थी, विद इन दोज लाइन्स, ठीक है ना। एंड मैंने कहा कि ठीक है, मैंने कहा कि मिला दो। उन्होंने कॉल कनेक्ट करवा दी, मुराद भी यहीं पे थे, खातून से बात हो रही थी, तो दद्दा का फ़ोन बीच में बज गया, उनको भी, सिस्टर ज़ायरा को मैंने कहा इनको भी बीच में ले आओ, तो वो बीच में आ गए उस कॉल के। तो कह रहे मैं वजीफ़ा कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि फ़ोन उल्टा रखा हुआ था, यानी कि द फ़ोन वॉज़ अपसाइड डाउन, और वो वजीफ़ा कर रहे थे खामोशी से। तो दद्दा कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि आवाज़ आ रही थी कि फ़ोन उठा, फ़ोन उठा। तो कह रहे हैं कि मैंने फ़ोन उठा के सिस्टर ज़ायरा को स्क्रीनशॉट उतार के नंबर भेज दिया, ठीक है ना। और फिर जो है ये हो गया, फिर बात हो गई उनसे। तो ये होता है भेजा हुआ आदमी, और ये होता है यानी कि हमारे उसमें जो है डेंजरस कहलाते हैं ये, क्योंकि ये भेजे हुए आदमी जो है कोई ना कोई चीज़ उन्होंने ऐसी पढ़ी होती है कि वो हमारे पास जो है हेल्प के लिए पहुंच जाते हैं। एंड द कॉन्वर्सेशन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन वो बताने की नहीं है बहुत सारी चीज़ें। बट द थिंग इज़ के द मेन थिंग यर इज़ के दद्दा टुक द इनिशिएटिव के वजीफे में जब आवाज़ आई कि जैसे कि महसूस हुआ कि फ़ोन उठा, फ़ोन उठा, तो उन्होंने फ़ोन उठाया, स्क्रीनशॉट उतारा, जबकि मना है, वजीफे में फ़ोन उठाना मना है, लेकिन बहालत मजबूरी मैं भी उठा लेता हूँ, और मैं हूँ भी कर देता हूँ, या ये कि क्या कहते हैं बात कर लेता हूँ, वरना ये कि पार्टी कर